गाइस वेलकम टू द चैनल एंड दिस इज़ द न्यू 2023 वरना जो इन पर्सन बहुत इस कलर में बहुत ही प्रीमियम लग रही है आई विल से। ये इसका साइड लुक फोटोज में आई वाज ऑनेस्टली लिटल स्केप्टिकल अबाउट द लुक्स, बट इन पर्सन देखने के बाद आई हैव टू से इट लुक्स वेरी प्रीमियम। ये पुरानी वरना से डेफिनेटली बड़ी लग रही है, ऑब्वियसली लॉन्गर एंड वाइडर देन द प्रीवियस वरना। जो अभी ये मॉडल जो है, ये दिस इज द वरना एस एक्स विथ सनरूफ एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसका फ्रंट लुक सामने आपको एक वाइड एलईडी बार मिल जाती है, जिसमें जो साइड के दो दो सेक्शन तीन सेक्शन बैठी है, जो साइड के जो है वो डे रनिंग लैंप से, और सेंटर वाली जो कि रात को हेडलाइट से सज जलती है। इसमें आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती है, टू लो एंड टू फॉर हाई बीम, फोर फॉर एलईडीज, एंड जो इसके इंडिकेटर्स है दोज आर हैलोजेंस। ये इसकी साइड लुक, इससे जो साइड मिरर से काफ़ी शार्प आते हैं। इसमें इसकी जो पूरी डिज़ाइन है ना, इससे इट्स वेरी शार्प। सो कर्व्स देखिए, क्रीजेस देखिए डोर्स पे, ये लाइक आप कह सकते हैं ये पूरी मॉडर्न डिज़ाइन है इसमें काफ़ी। और इसमें ऐसे ऐसे टचेस हैं जो कि इसको काफ़ी प्रीमियम दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आप पीछे देखिए, एक सिंगल बार एलईडी है टेल लाइट के लिए, उसमें फिर जो टचेस है ना, आप मैं इसको जला के दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो दिस आर थ्री लुक्स, इसके ब्रेक लैम्प्स है, फिर इसमें क्रिस्टल लुक आता है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। बाकी इसमें इंडिकेटर्स और ये इसके टेल रिवर्स लाइट्स जो कि हेलोजन है। देन उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की कि उन्होंने फेक एग्जॉस्ट नहीं दिए, इंस्टेड दे हैव नॉट गिवन द एग्जॉस्ट आउटसाइड में। अंदर नीचे देखेंगे तो आपको वो दिख रहा होगा एग्जॉस्ट इसका सिंगल पॉड। ये आपको फिर से क्रिस्टल इफेक्ट मिलता है इस गाड़ी में, हर जगह क्रिस्टल इफेक्ट है। इधर आप नीचे बोनेट बोर्ड में देखिए, इधर नीचे, देन ये आपके टेल लाइट्स में है। ये इसके फ्रंट लुक विथ इसके इसकी जो एलईडी बार है इसके साथ काफ़ी प्रीमियम लगती है। देन आप रियर में चलेंगे, वो देखिए इसके रिफ्लेक्शन ही कितनी सेक्सी लग रही है। देन इसकी टेल लुक, इसके जो ये क्रिस्टल इफेक्ट है काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी यूनिक है आई विल से। ये किसी गाड़ी में नहीं आती इतनी सुंदर टेल लैम्प्स। ये पूरी रेयर में रन करती है, पूरी कवर करती है, रात को इसका लुक बहुत अच्छा है। जैसे साइड व्यू में आप देखेंगे तो इसकी जो टेल है इट्स अ काइंड ऑफ फास्ट बैक और यू कैन से कूपे। देन इसमें आपको गुड साइज टायर मिल जाते हैं, 205/55 आर सेक्शन टायर्स, 205 जो काफ़ी वाइड है। इसमें आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है ब्लैक कलर में। डोर के बिल्ड क्वालिटी के मामले में वरना एज ऑलवेज इज़ गुड, काफ़ी अच्छा फील है डोर का, बट थोड़ा जोर लगा के बंद करना पड़ रहा है कंप्लीट क्लोज करने के लिए। अब दिस इज़ द इंटीरियर, इसको जब आप ऑफ करते तो काफ़ी ऑन करने पे काफ़ी अच्छा एनिमेशन आता है। इट्स नॉट कम्प्लीटली डिजिटल, ये दिखता इज़ लाइक अ स्क्रीन बट इट्स ब्यूटिफुल नो डाउट, बट इसका ओनली जो इसका जो टी एफ टी पार्ट है वो इसका सेंटर में, दिस वन ओनली, ये आप चेंज नहीं कर सकते। बट इसने जो इन्होंने जो एक कंप्लीट सिंगल डैश दिया है और डेट इज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स द ड्राइवर, इसको काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। फॉर द स्टेयरिंग व्हील का डिज़ाइन आई हैव अ मिक्स फीलिंग्स अबाउट दिस, बट इसका फील अच्छा है पकड़ने में। देन
ये चीज़ अच्छी है कि सारे बटन्स जो है कंट्रोल्स के जो वो इसी में है। लाइट्स ऑपरेट करते हो इसके स्क्रीन में, तो वो भी आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देन स्टीयरिंग इज कम्प्लीटली लेदर रैप्ड, सेंटर जो इसका हॉर्न पार्ट है डेट इज प्लास्टिक बट इस फील गुड टू टच। देन जो इसका लोगो है सिल्वर फिनिश्ड, स्टीयरिंग में जो ये सिल्वर इंसर्ट है इसको अच्छा प्रीमियम लुक देते हैं दोबारा से। और इन्होंने एक बढ़िया चीज़ जो की है ना, जो बहुत मैन्युफैक्चरर सोच के शायद नहीं कर पाए, उन्होंने अच्छा आइडिया ले आए हैं, वो ये कि जो इसकी ऑडियो कंट्रोल्स हैं एंड एसी कंट्रोल्स, उन्होंने इनको इंटीग्रेट कर दिया है एक ही में। देखिए अभी अभी मैंने इसको फैन में दबाया तो ये बन गया इसका रेडियो कंट्रोल, देन अगेन पुश करता हूँ तो ये बन जाता है फिर आपका एक क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स। देन आपको यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है जिसमें वेंट्स दे रखे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा वो जब आप वायरलेस चार्ज करते हो तो फ़ोन टेंड्स टू हीट अप और ऑब्वियसली धूप में गर्म हो सकता है, तो इससे आपको एयर्स हवा आती है जो आपके फ़ोन को कूल रखती है। देन यू हैव अ टाइप सी चार्जर एंड अ यूएसबी पोर्ट विथ अ 12 वोल्ट चार्जर जो 120 वाट तक सपोर्ट कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। देन अगर आप इसको पार्किंग बटन दबाओगे तो ये आपका रिवर्स कैमरा विथ एडेप्टिव गाइडलाइंस। स्क्रीन वर्णा का जो है काफ़ी अच्छा है, ये भी हमेशा रेस्पॉन्सिव रहा है, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले सब मिल जाता है। देन इसमें आपको बहुत सी चीज़ मिलती है जो कि है मूड लाइटिंग, और इन्होंने इसमें एक काफ़ी अच्छी चीज़ दी है जो कि जो इसके वेंट्स है इसको एक यूनिक लुक दिया है लाइक ऑडी, और इसको इंटीग्रेट कर दिया है हिडन टाइप्स में, तो इससे क्या होता है इसको एक अनब्रोकन लुक मिलता है डैश को, आप देखिए जो इसको फिर से एक अच्छा प्रीमियम फील देता है। टॉप ऑफ द डैशबोर्ड इज गुड, फील्स गुड, मेटल अच्छा है इसका, इट्स हार्ड प्लास्टिक बट इट इज फील्स गुड टू टच, लाइक इट्स अ गुड क्वालिटी प्लास्टिक। देन ये नीचे का जो है इसमें एक थोड़ा लेदर फैब्रिक टाइप का फील लुक आता है जिसका वाइट पोर्शन है, बट इट्स अगेन प्लास्टिक बट इसका जो टेक्सचर है वो भी अच्छा है। देन जो मिडिल में आपका एसी का इंसर्ट है जिससे सिल्वर कलर जो कि इसको यूनिक लुक देता है फिर से। देन ऑन टॉप आपको बस दो पेडल लैंप्स हैं जो कि एलईडीज हैं, और आपका जो ये आता है इसमें मिरर्स दिस आर गुड क्लोज होते हैं बट लाइट्स इज एब्सेंट ऑन ड्राइवर साइड, और पैसेंजर साइड में भी लाइट्स नहीं है जस्ट द मिरर्स। देन इसका ग्लव बॉक्स जो कि काफ़ी डीप है, नॉट वेरी डीप आई एम सॉरी, और अच्छा खासा है स्पेस सफिशेंट, और इसे कूल्ड ग्लव बॉक्स इधर देखिए। देन आपको इधर ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है इस तरफ, आपके स्टार्ट स्टॉप बटन इज ऑन द राइट साइड, देन इसका हेडलाइट लेवलर। जो ड्राइवर में फुट एरिया है ना ड्राइवर साइड में इट्स वेरी नाइस। ड्राइवर डोर देखेंगे तो आप इसमें एक ये प्लास्टिक है जिसमें एक लाइन टेक्सचर दे रखा है उसमें से, इसमें ये आप एक आगे आपकी मूड लाइटिंग आ जाती है। देन इसका जो ये इंसर्ट है ये भी वाइट प्लास्टिक में है इस आपके विंडो से कंट्रोल्स, जिसमें आपके ऑटो रोल ऑनली ड्राइवर साइड में है, ऑटो रोल एंड ऑटो। देन जो ये ड्राइवर का हैंड रेस्ट है सॉरी जो डोर्स में हैंड रेस्ट है दिस इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, और ये एग्जैक्टली लेदर भी नहीं है आई गेस बट फील्स गुड टच, टेक्सचर अच्छा है इसका, फैब्रिक टाइप टेक्सचर है। देन लोअर एरिया इज ऑल हार्ड प्लास्टिक, गुड थिंग दे हैव गिवन टू डेडिकेटेड वाटर होल्डर्स ऑन द ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड ऑल्सो। उसके बाद सेंटर कंसोल में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। देन पार्किंग ब्रेक इज मैनुअल दैट्स नाइस। फिर इसका जो हैंड रेस्ट है इट्स अ गुड साइज हैंड रेस्ट और फील्स गुड, इट्स प्रीमियम फीलिंग, और ओपन होने में भी इसका जो फील है वो भी अच्छा है।
इसमें हेफ्ट है अपना एक, और इससे डीप स्टोरेज, काफ़ी अच्छा स्टोरेज है इधर। गोइंग टू पैसेंजर साइड, डोर्स आर अगेन वेरी नाइस। आपको अंदर आते ही ना, बिकॉज ऑफ इट्स वाइट कलर, काफ़ी स्पेशियस लगेगा आपको। सीट्स में आपको इधर आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट मिल जाते हैं, आइसोफिक्स माउंट्स बोथ साइड। देन एडिशनली जो कि आजकल गाड़ियों में नहीं आ रहा लेकिन इसमें है, दैट इज एंकर पॉइंट्स। अगर आपके साइड चाइल्ड सीट है लाइक ओल्ड ट्रेडिशनल वेज, देन ऑल्सो यू कैन यूज इट। देन द सीट्स आर फिक्स्ड, कैन बी फोल्ड डाउन, इसको फोल्ड नहीं कर सकते आप। बट गुड थिंग इज दैट कि इन्होंने तीन डेडिकेटेड सीट बेल्ट प्रॉपर दिए हैं, प्रॉपर सीट बेल्ट फॉर द सेंटर पैसेंजर ऑल्सो। हेडरेस्ट इज फॉर और एडजस्टेबल, बट सेंटर पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है। गेटिंग इन, यहाँ से पीछे से डैश का व्यू है ना, आई थिंक पूरा वरना इसी कंसेप्ट पे बनाया गया है कि जो व्यू एवरीवेयर यू लुक ना, इट लुक स्पेशियस, इट फील्स कंफर्टेबल, इट्स अ मॉडर्न डिज़ाइन, और एवरी मटेरियल दैट इज़ बीन यूज ना, सब कुछ अच्छा प्रीमियम फील है। जैसे कि आपका ये हैंड रेस्ट लीजिए, ये भी सॉफ्ट टच है। देन आपके आर्म रेस्ट भी काइंड ऑफ क्लोथ टेक्सचर्ड है, इट्स नॉट लेदर बट इट फील्स गुड समहाउ, इट्स प्लास्टिक बट इट फील्स गुड। देन आपके जो यहाँ पे डोर हैंडल्स है, इज ऑल सिल्वर फिनिश्ड, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहे हैं। देन आपके सेंटर में आपको इधर एयर वेंट्स मिल जाते दो। देन इज अ गुड स्पेशियस एंड वेल पोजिशनड स्पेस, जो कि आप फोन वॉलेट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। देन देर इज नो स्टोरेज हेयर, पैसेंजर साइड में खाली एक स्टोरेज है इस तरफ। देन देर आर टू टाइप सी चार्जर्स विच इज वेरी गुड। देन सीट का जो कम्फर्ट है ना, ओ माई, लाइक आई एम इम्प्रेस्ड। लाइक आगे वाली सीट, आई एम 5'11" अगेन, आगे वाली सीट मेरे लिए कम्फर्टेबली एडजस्टेड है, एंड स्टिल आप स्पेस देखो पीछे, कम ऑन लुक एट दैट। लाइक जो फुट, जो अंदर जो स्पेस है ना सीट के आगे वाली, आई एम एबल टू लाइक रेज माई फीट देयर, और कम स्पेस तो आप देख ही लो, कोई कमी नहीं है स्पेस की। 6 फुटर आराम से बैठ सकता है पीछे, अगर आप सनरूफ ओपन कर दोगे तो पीछे से ये लुक है कार की, प्रीमियम इज़न्ट इट। अब सेंटर में आपको एक लाइट मिल जाती है, बट एक चीज़ करनी चाहिए थी ना, जो डोर खोलने से लाइट जलती है ना वो आगे दे रखी है, मे बी सेंटर में जा सही होती, बट कोई नहीं, इस ब्राइट इनफ, सामने भी एलईडी लाइट से, सेंटर भी एलईडी है, काफ़ी ब्राइट है। देन आपके जो ये आपका रियर व्यू मिरर है वो भी ऑटो डिमिंग है उसमें फंक्शन। सेंटर पैसेंजर में आप स्पेस देखेंगे तो जैसे मैं अभी बैठा हूँ वैसे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट 3 adults ऑफ माई साइज मे बी नॉट वेरी कम्फर्टेबल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, बट शॉर्टर डिस्टेंस के लिए सही रहेगा। बट अगर आप 2 adults एंड 1 child विल बी कम्फर्टेबल डेफिनेटली। देन आपकी जो सीट बेल्ट आती है ये भी एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्टेबल। नाउ विल सी द बूट ऑफ दिस न्यू 2020 ना, अगर आप की को होल्ड करके रखेंगे तो ये बूट ऐसे खुल जाता है, जो कि काफ़ी हैंडी फीचर है। एंड द बूट इज वेरी डीप एंड वाइड, काफ़ी अच्छा स्पेस है बूट में। सबसे बढ़िया चीज़ है कि काफ़ी स्क्वायरिश शेप है बूट का, तो आप इजीली यहाँ पे काफ़ी बैग स्टोर कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप आसानी से यहाँ पे ना, यहाँ पे आपके आराम से 2 बड़े ट्रॉलीज आ सकते हैं, एडिशनली तो और बहुत कुछ आ सकता है। देन इसका स्पेयर व्हील देखेंगे, स्पेयर व्हील इज अ स्मॉलर साइज, 185, 65, 15 inches, एक स्मॉलर साइज टायर है। सो दिस इज द बूट ऑफ द न्यू वरना, यहाँ पे थोड़ी सी इंसुलेशन टाइप है, क्लोज करने के लिए यहाँ पे कुछ हैंडल नहीं है, बट कोई इसका कोई इशू नहीं है उस चीज़ का, इजीली क्लोज हो जाती है। देन लेट्स गो एंड सी द इंजन ऑफ द वन यू वांट नाउ।
नाउ कमिंग टू द इंजन बे ऑफ द न्यू वर्ना, इसमें आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। एक है आपका 1.5 लीटर नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन जो आपको 115 हॉर्स पावर एंड 144 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब दिस वन इज़ अ नॉन टर्बो वेरियंट। इसके अलावा आपको एक 1.5 लीटर GDI पेट्रोल इंजन है जो 160 PS एंड 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस सेगमेंट में, अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंजन है। और इसके अलावा इंजन भी आप देखेंगे तो काफ़ी स्पेशियस है, इसमें आपका मैकेनिक को इसमें वर्क करने में कोई इशू नहीं होगा। छोटा सा कवर है इंजन का एंड इसके अलावा एक इंसुलेशन भी है जो कि इस ऑलरेडी वेरी रिफाइंड इंजन को और भी साइलेंट बनाएगा और आपको एक साइलेंट एंड कन्वीनियंट राइड प्रोवाइड करेगा। वरना में जो आपको की मिलती है ये वही की है सेम जो कि पुरानी वरना में भी आती थी, बट इट्स अ नाइस की, फील्स गुड टू होल्ड एंड इट्स अ प्रीमियम लुकिंग की, और इसके बटन्स का फील भी काफ़ी अच्छा टैक्टाइल है। इसमें लॉक अनलॉक, ऑटो स्टार्ट एंड बूट का की है। इसके अलावा आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द ड्राइवर साइड में मिलता है, पैसेंजर साइड में कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। तो गाइस एक लास्ट वॉक अराउंड अराउंड दिस कार एंड लुकिंग, आप सब देखेंगे तो इसमें पैनल गैप्स एंड जो अलाइनमेंट्स होते हैं डोर के काफ़ी अच्छा है। सो इट्स अ वेरी वेल बिल्ट कार। फ्रंट लुक इन पर्सन इज़ वेरी प्रीमियम। साइड लुक अगेन वेरी शार्प, थोड़ा स्पोर्टी फील भी है एंड द रियल इज़ अ काइंड ऑफ कूपे अगेन एंड द टेल इज़ वेरी स्मार्ट लुकिंग। आई गेस इसका जो बेस्ट एंगल है ना वो इसका रियर एंगल है बिकॉज ऑफ इट्स टेल लाइट्स जो कि काफ़ी प्रीमियम एंड अप मार्केट लगती है। एंड वरना की एक सबसे अच्छी बात, लाइक अनलाइक मैनी अदर ब्रांड्स, इट्स अ वेरी रिलायबल कार विथ अ रिलायबल सर्विस हिस्ट्री एंड इट्स अ नो नॉनसेंस कार। आप इट्स अ काइंड ऑफ कार जिसको आप खरीदो और चलाओ बस। वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम फीचर है एंड ऑब्वियसली आपको पता ही होगा काफ़ी गाड़ियों में नहीं आता है, काफ़ी कम गाड़ियों में ये फीचर आता है एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर टाइट पार्किंग, स्पेशली किसी नई जगह में पार्क करने के लिए। क्योंकि गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई वीडियोज़, लाइक एंड सब्सक्राइब विल वेरी एनकरेजिंग। सो गाइस हैव अ गुड डे, बाय बाय।